বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। বাবুত তাশদীদ ফিল বাউল। আন ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা আন্নান নবিয়্য সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাররা আলা কবরাইন ফাকালা ইন্নাহুমা ইউআদ্দাবান ওয়ামা ইউআদ্দাবানি ফি কাবীরিন আম্মা হাযা ফাকানা লা ইস্তানযিহু মিন বাউলি ওয়া আম্মা হাযা ফাকানা ইয়ামশি বিন নামিমা। وفي الباب عن زيد بن ثابت وابي بكرة وابي هريرة وابي موسى وعبد الرحمن بن حسن قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروى منصور هذا الحديث عن مجاهد عن ابن عباس ولم يذكر فيه عن طاووس ورواية الأعمش أصح وسمعت أبا بكر محمد بن أبان يقول سمعت وكيعا يقول الأعمش أحفظ الإسناد أحفظ الإسناد إبراهيم من منصور। इस बाब में इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाहि अलैह पेशाब के सिलसिले में जो शिद्दत हुक्म वाक़े हुआ है अहादीस में उसको बयान फरमा रहे हैं, और हदीस शरीफ जो उन्होंने ज़िक्र की है वो हदीस बहुत तवील है, बहुत लंबी हदीस है। पहली बात यह है कि सनद में ताऊस जो ज़िक्र है जिनका नाम, उनका नाम अब्दुल्ला है, ताऊसुल उलमा उनका लकब है, ताऊस उनका नाम नहीं है बल्कि नाम उनका अब्दुल्ला है और उनका लकब ताऊसुल उलमा है। हज़रत इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने आमश की रिवायत को तरजीह दी है और मंसूर की रिवायत को तरजीह नहीं दी है। आमश की रिवायत में मुजाहिद और इबन अब्बास के माबैन ताऊस का वास्ता है, ताऊस और मुजाहिद दोनों इबन अब्बास के शागिर्द हैं। इमाम ने अपने मिजाज के मुआफिक आमश की रिवायत को तरजीह दी है और दलील ये दी कि इब्राहिम की सनद आमश को मंसूर के मुकाबले में ज़्यादा याद थी, मगर ये दलील ठीक नहीं है क्योंकि सिर्फ़ एक उस्ताद की सनद में अहफज हो जाने से ये साबित नहीं हो सकता कि तमाम असातिजा की सनदों में अहफज हैं। लिहाजा मंसूर की रिवायत असह होगी आमश की रिवायत के मुकाबले। इस हदीस शरीफ में यह है, हदीस शरीफ का तर्जमा यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र दो कब्र वालों से हुआ कि मर्रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला कब्रैन, दो कब्रों पर से आपका गुज़र हुआ, आपने इरशाद फरमाया इन्नहुमा युअद्दबानी, ये दोनों कब्र वाले मुअज़्ज़ब हैं, इनको अजाब दिया जा रहा है, ये दोनों अजाब में मुब्तला हैं। वमा युअज़्ज़बान फ़ी कबीर, और ये दोनों अजाब में जो मुब्तला हैं ये किसी बड़े गुनाह में की वजह से मुब्तला नहीं हैं। इनमें से एक ये है महाजा फ़काना ला यस्तन्ज़िहु मिन बौलिही, जो अपने पेशाब से बचता नहीं था, यानी पेशाब के छींटे से बचता नहीं था। व अम्मा हाजा, और ये जो है साहिब कब्र दूसरा, फ़काना यमशी बिन नमीमा, वह चुगलखोर था, वह चुगलखोरी किया करता था। ये फ़ी कबीरिन जो फरमाया इनको बड़ा नहीं कहा गया है, हालांकि ये दोनों बहुत बड़े हैं, तो मतलब ये है कि ये हल्का आम तौर से लोगों के मुआशरे में इसकी तरफ कोई अहमियत नहीं देता और अहमियत नहीं दी जाती, इसके तरफ लोग ज़्यादा जो है ख़याल नहीं करते, मगर इन्हीं चीज़ों की वजह से एक अजाबी कब्र जैसी चीज़ उनके ऊपर जो है मुसल्लत कर दी जाती है, तो इनको बहुत हल्का समझा जाता है। ये अफ़ाल ऐसे हैं जिनको बहुत हल्का समझा जाता है, इस माने कर आपने फ़ी कबीरीन फरमाया है। वरना सवाल होगा कि ये दोनों जब मुअज़्ज़ब हैं तो इन दो इनके जिनके अफ़ाल की वजह से, जिन फ़ेल की वजह से, जिन अमल की वजह से इनको मुअज़्ज़ब किया गया यानी इनको अज़ाब में मुब्तला किया गया, तो वो कबीर कैसे नहीं होंगे, तो इसलिए उसका जवाब यही बनेगा। तो इसका हदीस शरीफ में हुजूर सल्लम ने फरमाया कि इन दोनों को कोई अहम मामले में सज़ा नहीं हो रही है, तो यहाँ तो है फ़ी कबीरिन। तो बुखारी शरीफ की एक रिवायत में है कि वमा युअज़्ज़बान फ़ी कबीरिन, उसके बाद है बला, उसका इजाफा है, जिसका मतलब यह है कि उनको अहम मामले में सज़ा हो रही है। तो जब तारुज़ हुआ तो उसका दफ़ा यही है कि दुनिया के मामले में तो कोई अहम मामला नहीं है मगर आखिरत के लिहाज से बहुत अहम है। एक पेशाब से बचता नहीं था, यानी पेशाब की छींटों से बचता नहीं था। उसकी चंद सूरतें हैं कि पेशाब के छींटों से न बचना, एक तो यह है कि जगह
सख्त हो, जगह जो है पथरीली हो, जब आदमी उसमें पेशाब करेगा तो छींटें पड़ने का ज़्यादा इम्कान है, या हवा का रुख, हवा के रुख पर बैठना, ये भी उसके लिए एक सूरत है, या पेशाब के बाद एहतमाम नहीं करता था, फौरन उठ जाता था, कतरा गिरने का इम्कान है। अगर बहुत सी सूरतें इसमें हो सकती हैं कि पेशाब से बचता नहीं था, यानी पेशाब के छींटों से बचता नहीं था, पेशाब से भी बचता नहीं था, इसका मतलब ये दुनिया के लिहाज से तो कोई बड़ी बात नहीं है, मगर आखिरत के लिहाज से बहुत बड़ी है, इस लिहाज से कि सारी नमाजें राई गाएँ। तो दूसरे शख्स के बारे में आपने फरमाया कि काना यमशी बिन नमामा, चुगली खाता फिरता था। चुगलखोरी का मामला आखिरत में संगीन है। इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह ने इस रिवायत को लाकर बतलाना चाहा कि इंसान के अपने पेशाब का मामला बहुत संगीन है, दूसरे जानवरों के पेशाब की तरफ भी इस हुक्म को मुतअद्दी किया जाएगा कि उनके पेशाब के छींटों से भी बचना चाहिए। हदीस बहुत तवील है, जिस हदीस को इमाम साहब ने यहाँ पेश किया है वो बहुत लंबी हदीस है। उसमें यह भी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो टहनियों को दोनों के कब्रों पर गाड़ दिया है और फरमाया कि हो सकता है कि अल्लाह ताला इन दोनों को अजाब में तख़फीफ करें जब तक ये दोनों न सूखें। मालम यही बिसा का लफ्ज़ आया है, अल्फाज हो सकता है और अजाब में तख़फीफ, ये सब तवज्जो के काबिल हैं, क्योंकि बड़े हजरात और शान उलूवियत रखने वाले जब हो सकता है लफ्ज़ बोलेंगे तो उसमें जो है यकीनी चीज़ होती है, मगर हो सकता है लफ्ज़ उनके जिसको हम शाही मुहावरा भी कह सकते हैं, ये शाही मुहावरा है, लिहाजा यहाँ बिल यकीन ऐसा होगा, बिल यकीन अजाब में वो तख़फीफ होगी। अब अजाब में तख़फीफ किस तरह होगी, इसमें दो राय हो गई हैं। मुहक्किकीन की राय यह है कि हुजूर सल्लम की दुआ की बरकत से तख़फीफ होगी, गोया हुजूर सल्लम की सिफारिश हुई और कबूल हुई मौक़त मुद्दत तक, यानी टहनियों के खुश्क होने तक। इस राय के लिहाज से आगे सवाल जवाब सब ख़त्म हो जाएंगे और ये मुहक्किकीन की राय है। मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत में ये लफ्ज़ भी ज़्यादा है, अहबबतु बिशिफाअती, यानी हुजूर फरमा रहे हैं कि इन दोनों को अजाब हो रहा था, मैंने ये चाहा कि अपनी शफाअत की वजह से, अपनी शफाअत से इन दोनों के अजाब में तख़फीफ करवा दूँ और मुअक्कत मुद्दत तक, जब तक ये दोनों टहनी खुश्क न हो जाएं, तरोताज़ा रहेंगी। तो वहाँ पर हबबतु भी शफाअती का भी लफ्ज़ इजाफा और ये मुस्लिम शरीफ में है। तो लिहाजा ये राय मुहक्किकीन की है जो बिल्कुल सही राय है और इसमें सवाल व जवाब जो आगे आने वाले हैं सब ख़त्म हो जाएंगे, जैसा कि दूसरी राय जिसका जिक्र अभी, ये राय जो दूसरी है ये आम इंसानों की राय है, टहनी की तस्बीह खानी की वजह से तख़फीफ होगी। वो कहते हैं कि टहनी जो तस्बीह खानी करती हैं, हर सब चीज़, हर सरो सब सर तरो ताज़ा चीज़ ये अल्लाह की तस्बीह खानी करती हैं, तो ये टहनी भी तस्बीह खानी करेगी और इस तस्बीह खानी की वजह से अजाब में तख़फीफ होगी। इस मतलब की वजह से जो कबूरी मुसलमान हैं, जो कबूरी मुसलमान हैं, उन्होंने कब्रों में फूल डालने का जवाब निकाला है, तो हम जवाब देंगे कि ये मतलब सही नहीं, सही मतलब तो पहला ही मतलब है। दलील इसकी यह है कि अगर टहनी की तस्बीह खाने की वजह से तख़फीफ है तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन इस पर ज़रूर अमल फरमाते, तो गोया के सहाबा ने दूसरे मतलब को गलत समझा, सही नहीं समझा। तो सहाबा पहले ही जमात है जो मतलब को समझ रहे हैं, इस जमात के की समझ के ऊपर किसी को तकद्दुम हासिल नहीं है। सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का जो फहम है, जो समझ है, माँ व शुमा के मुकाबले में कोई अहमियत नहीं है। अगर बिलफर्ज मान लिया जाए कि टहनी की तस्बीह खाने की वजह से तख़फीफ अजाब में हुआ, तो फिर भी फूल का जवाब नहीं निकलता, क्योंकि हुजूर ने फुसाक की कब्र पर गाड़ी है, जाहिद और मुत्तकी की कब्र पर नहीं। फूल का जवाब कैसे निकला, जबकि फूल गाड़ा नहीं जाता है, फूल को जो है चढ़ाया जाता है, जैसे हिंदू और गैर मुस्लिम जो है लोग जो है चढ़ाते हैं अपना चढ़ावा, तो यहाँ पर भी उसी तरह से उनकी मुशाबहत हुई। रखने का जवाब
बदर्जे मजबूरी निकल सकता है, मगर वो भी सही नहीं है, मगर चढ़ाना किसी तरीके से भी साबित नहीं होगा। चढ़ाना और रखना दोनों में बौन आजीम है। तो कब्र में फूल चढ़ाना एक इबादत है, जिसमें अहले हुनूद, गैर मुस्लिमीन, बुतों साहिबी, बुतों वाले, मूर्ति वाले, ये सब किया करते हैं, जो शिर्क है। खुलासा ये निकला कि ये जो दो मतालिब निकाले गए हैं, इसमें से एक ही मतलब जो पहला वाला है वो सही है, और दूसरा मतलब जो दूसरा वाला है वो बिल्कुल गलत है, ये मतलब सही नहीं है। जिसको सहाबा इकराम ने समझा है वो पहला ही मतलब है। तो खुलासा ये निकला कि ये जो है कब्रों में गाड़ा जाता है, और उसको ये समझा जाता है कि जब तक अजाब ये दोनों खुश्क रहेंगे और ये दोनों तरोताज़ा और हरे भरे रहेंगे, अजाब में तख़फ़ीफ़ होगी। ये मतलब दूसरा मतलब है, ये मतलब सही नहीं है किसी के यहाँ भी, क्योंकि सहाबा इकराम पहली जमात थे कि जो अहादीस के मतालिब को समझने वाली हैं। जब उन्होंने ये चीज़ समझी नहीं है तो उनकी समझ हमारे और आपके समझ के ऊपर उनकी समझ को तकद्दुम हासिल होगा, लिहाजा ये मतलब निकालना सही नहीं है। और मुस्लिम शरीफ की उस रिवायत को अगर ले ली जाए तो उसके मुताबिक तो कुछ भी नहीं है, इसलिए कि यहाँ पर टहनी रखने का जवाज भी नहीं मालूम होता है, क्योंकि हुजूर ने वहाँ फरमा दिया है कि मेरी शफाअत की वजह से इन दोनों साहिब कब्र को जो है अजाब हुआ है, मेरी शफाअत, इसकी वजह से इसके कोई जवाज ही नहीं निकलता है। अल्लाहु आलम। आप देख रहे हैं MARB दीनी मालूमात यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी वीडियोस आप अपने चैनल पर डाल सकते हैं। हमारी तरफ से इजाज़त है। हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप अपने व्हाट्सएप से अपना नाम और फुल एड्रेस के साथ ऐड लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8908939343 को मैसेज करें, और हमारा काम पसंद आए तो गूगल पे, फ़ोनपे या बैंक अकाउंट के जरिया मदद कर सकते हैं।